सबसे पहले जानते हैं कि ये शकुन और अपशकुन होते क्या हैं, शकुन और अपशकुन का मामला क्या है। देखिए, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के संकेत लगातार किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। हमारे जीवन में कब क्या घटेगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, इसके बड़े सारे इंडिकेशंस, इसकी बड़ी सारी सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं, अलग अलग तरीके से हम समझ पाएं या ना समझ पाएं। अगर ये संकेत सकारात्मक हैं, अगर ये संकेत पॉजिटिव हैं, तो इन्हें शकुन कहते हैं, और अगर ये संकेत नकारात्मक हैं, निगेटिव हैं, तो इन्हें अपशकुन कहते हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी शकुन अपशकुन का उल्लेख है कि दुर्योधन का जन्म हुआ तो वन में आग लग गई और सियार और गीदड़ भागने लगे। जब भगवान राम यात्रा के लिए प्रस्थान किए तो निषाद राज गुह को छींके आई, ऐसी बहुत सारे सूचनाएं शकुन अपशकुन के बारे में बताई गई हैं। देखिए, शकुन और अपशकुन कोई शुभ या अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करते। शकुन या अपशकुन की वजह से कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, वो केवल इस बात की सूचना देते हैं कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में भाग्य आपकी सहायता करेगा या नहीं करेगा, यानी आपकी किस्मत आपके साथ है या नहीं है, इसकी सूचना बहुत आसानी से शकुन अपशकुन को समझ करके आप जान सकते हैं। कभी कभी ये सीधी तरीके से घटनाओं के बारे में बताते हैं और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से घटनाओं के बारे में बताते हैं कि आने वाले समय में जीवन में इस तरह की घटनाएं घटेंगी। ये समझना होगा, ये जानना होगा आपको दिमाग लगा करके कि कौन सी चीज आपको किस चीज के बारे में सूचना दे रही है, भविष्य में होने वाली कौन सी घटना के बारे में कैसा इशारा है। इस इशारे वाले पार्ट को आपको समझना पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि शकुन अपशकुन के लक्षण क्या हैं। हम कैसे जाने कि ये शकुन है या अपशकुन है। देखिए, कोई भी संकेत जब आकस्मिक रूप से घटे, अचानक घटे, तभी शकुन अपशकुन समझना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि घर से निकलते समय कोई छींक दे तो मत निकलो। अब घर में किसी को सर्दी है, वो छींक रहा है, तो ऑब्वियसली वो छींकेगा ही, लेकिन सर्दी वर्दी कुछ नहीं है, तबीयत एकदम ठीक है, सब नॉर्मल है, उसके बाद भी किसी को आकस्मिक रूप से छींक आ जाए तब उसमें आप समझ सकते हैं कि ये शकुन है या अपशकुन है। अगर कोई संकेत बार बार मिलता है तो समझना चाहिए कि ये सत्य के ज्यादा निकट है, यानी सच्चाई इसके ज्यादा पास है। अगर कोई शकुन अपशकुन आपको बराबर मिलता है, बराबर दिखाई देता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये सत्य के बहुत निकट है, यानी ये बात जरूर हो सकती है। कभी कभी कुछ चीजों को हम शकुन या अपशकुन समझ लेते हैं जबकि हर बार ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं ना कि मैंने सपने में भगवान को देखा, माँ दुर्गा मेरे सपने में आई, गणेश जी मेरे सपने में आए, मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसा बहुत बार लोग कहते हैं, बहुत बार बताते भी हैं। ईश्वर या देवी देवताओं से संबंधित जो संकेत होते हैं वो ज्यादातर शकुन अपशकुन नहीं होते। हम भावना की वजह से, हम इमोशन की वजह से ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा जान लेते हैं। हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, दिन में 5 बार हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो सपने में हनुमान जी ही आएंगे ना, अब सपने में कोई और थोड़ा आ जाएगा। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो मन का प्रोजेक्शन है, जो मन सोचता है या जो मन प्रोजेक्ट करता है, वो आपको दिखने लगता है कि आपको लगा कि मेरे पीछे हनुमान जी खड़े हैं। ये मन का प्रोजेक्शन है ना, इसको भी आप शकुन अपशकुन समझते हैं, जबकि ये शकुन अपशकुन नहीं होता। ये मामला होता है आपके इमोशन का और आपके मेंटल प्रोजेक्शन का। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग तरह के शकुन अपशकुन कौन से हैं
और अगर वो जीवन में घट रहे हैं तो उनका अर्थ क्या है, उनका मामला क्या है। देखिए, अचानक दर्पण गिर जाए, मिरर जिसमें चेहरा देखते हैं, आईना अचानक गिर जाए या कांच टूट जाए, अचानक से आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपने गिलास उठाया पानी पीने के लिए, गिलास हाथ से छूट गया और कांच टूट गया, ये बताता है कि इस समय कोई बाधा आ सकती है। कांच का टूटना किसी बाधा की सूचना देता है, किसी बाधा का इंडिकेशन देता है। यात्रा पर आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में डेड बॉडी दिखाई दी, शव दिखाई दिया, मछली दिख गई या पान का पत्ता दिख गया, अचानक बिना किसी एफर्ट के आपको दिख गया, तो ये बताता है कि इससे आपकी यात्रा सफल होगी, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आप यात्रा करने जा रहे हैं, आपको दूध दिख गया या कोई खाली बर्तन दिख गया, तो ये बताता है कि या तो यात्रा आपकी पूरी नहीं होगी, यात्रा आपकी रद्द होगी, या ये बताता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में बाधा जरूर आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट के बटन उल्टे लग जाते हैं, एक बटन ऊपर एक बटन नीचे, ऐसा भी बहुत बार लोग लगा लेते हैं। शर्ट के उल्टे बटन लगाने का मतलब होता है, कभी अगर आपने लगा लिया तो इसका मतलब होता है कि आपकी किसी लापरवाही की वजह से, आपकी किसी मूर्खता की वजह से आपको असफलता मिलेगी। आपकी लापरवाही की वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ेगा, एकदम अलर्ट हो जाइए अगर ऐसा कभी होता है तो। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको हेयर पिन मिल गया, कोई बटन मिल गया या कोई रुमाल मिल गया, तो यह बताता है कि जीवन में किसी नए संबंध की शुरुआत होने वाली है। आप बिल्कुल आराम से बैठे अपने कुर्सी पे काम करने के लिए, आपने देखा कि अरे सामने तो हेयर पिन पड़ा हुआ है, बटन गिरा हुआ है, अरे किसी का रुमाल छूट गया, अब पता नहीं किसका है, लेकिन यह बताता है कि जीवन में कोई नया संबंध निश्चित रूप से शुरू हो सकता है, किसी नए संबंध की शुरुआत की सूचना है। अगर कोई बात करते समय घंटी की आवाज सुनाई दे, शंख की आवाज सुनाई दे, गाय के बोलने की आवाज सुनाई दे, तो जिस काम के बारे में आप विचार कर रहे हैं वो काम निश्चित रूप से बन जाएगा। आप विचार कर रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कैसे शादी होगी, कब होगी, मैं प्रयास कर रहा हूं, अचानक से पीछे से शंख की घंटी की आवाज सुनाई दी, मंदिर में आरती की आवाज सुनाई दी, समझ जाइए जो काम आप सोच रहे हैं वो काम होने वाला है।